नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ ऑनलाइन। आज हमारी टीम पहुंची है 12 ब्लॉक साइंस सोसाइटी तिलक नगर इलाके में, जहां सैनिटाइजिंग का काम लगातार चल रहा है और एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहां लगी हुई है और यहां सैनिटाइजिंग के काम के लिए आप देख सकते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों या फ्लैट्स हों, ये सैनिटाइजिंग का कार्य पूरी टीम और पूरी सोसाइटी के लोग इनका पूरा साथ दे रहे हैं। और आइए हम सीधे बात करते हैं, सैनिटाइजिंग का जो ये कार्य चल रहा है कहाँ से और किस तरह से हो रहा है? सैनिटाइजर का जी एमसीडी से चल रहा है जी, साउथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली से। मैं निगम पार्षद तिलक नगर से गुरमुख सिंह बिट्टू मेरा नाम है जी। तो मैं खुद जा के जहाँ पे ये आप देख सकते हो टैंकर से पूरा सैनिटाइजर कर रहे हैं कि लोगों को जो ये कोरोना वायरस की महामारी का जो झेलना पड़ रहा है उससे की राहत मिल सके और भाइयों को कहीं हो ना पाए कि वहाँ जहाँ जहाँ किसी का हाथ लग रहा है वो ख़त्म हो, इसीलिए पूरा टैंकर से भी और मैनुअल से भी जगह जगह जहाँ पे ये टैंकर नहीं जा सकता तो वो मैनुअल एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। तो मैं कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतनी महामारी में कोरोना में खुद निकल के घर से वो सैनिटाइजर कर रहे हैं। तो मैं जी जैसा ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आपने पूरे इलाके में देखा है, लॉकडाउन का कैसे लोग पालन कर रहे हैं? लोग अच्छा है पालन कर रहे हैं जी लॉकडाउन का, तभी आप देख सकते हो कि अभी आप मेरे साथ पीछे रोड पे देखते हैं कि बिल्कुल कहीं कोई कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है जो रोड पे चल रहा है, नहीं तो सभी फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को, क्योंकि लॉकडाउन ही इसी का समाधान है और कोई कोरोना वायरस का समाधान नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। जो सोशल डिस्टेंस और अपना घरों में रहना, मैं यही कहूँगा सभी को, निवासियों को भी, देशवासियों को भी, कि अपने घर में रहें और बाहर ना निकलें, यही पालन करें जो मोदी जी कह रहे हैं, जो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनको पूरा सरकारों का ध्यान करके उनका जो भी कहना है उनको माने। हाँ नहीं बैर नहीं आई वो मास है जी, बिल्कुल। नगर निगम की जहाँ तक भूमिका है सफाई और विशेष रूप से आप ही लोग जो है सब ये काम संभालते हैं, तो आज दिल्ली में जब लॉकडाउन है तो सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था भी ठीक है जी, जैसे डिपार्टमेंट ने 50 साल से ऊपर वालों को मना कर दिया कि आप जॉब पे नहीं आएंगे, और जो दूर से रहते थे जैसे कोई हरियाणा में जो दूर से रहने वाले हैं गुड़गांव में, उनको भी मना कर दिया डिपार्टमेंट ने, आप ही नहीं आओगे। जो नज़दीक रहते हैं वो कर रहे हैं कर्मचारी काम, बाकी देखो 100% तो नहीं हो पा रहा, मगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये कर्मचारी कर रहे हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, घर से निकल के और सफाई कर रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं इलाके के निगम पार्षद खुद इस सैनिटाइजिंग कार्य में जो है इनके साथ हैं, और साथ ही निगम पार्षद इन सब लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो कोरोना के लॉकडाउन का पालन करें। और यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि इलाके के सब लोग यहाँ मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ये सब लोग जो है कोरोना का कैसे पालन कर रहे हैं? हम डिस्टेंस रख के बैठे हुए हैं सर, कोई अगर सोशल करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं या बच्चे खाना वगैरह बना के गरीबों में बांटते हैं तो वो सब डिस्टेंस बना के बैठते हैं, 5-7 ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। हमने देखा है हॉर्न जो है विशेष रूप से इस कॉलोनी में लगा था, वो क्या है? जी सर, ये हमारे यहाँ पे सुबह जो पानी आता है उसके लिए हमने हॉर्न लगा रखा है ताकि पानी वेस्ट ना हो, पानी की बचत हो। और दूसरा जी, अगर बाई चांस कोई जैसे अब ये सैनिटाइजर होना या वो होना है तो सारे कॉलोनी वाले डिस्टेंस बना के और अपनी अपनी गाड़ियाँ बाहर लगा के ताकि आराम से सैनिटाइजर हो चुके, कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, नगर निगम के जो अधिकारी आते हैं कर्मचारी आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए साइंस सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं और यहाँ के निवासी वो पूरा साथ दे रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए युवाओं का जो योगदान है वो भी बहुत विशेष है, आप कैसे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हम तो पूरी तरीके से जो है घर पे ही हैं, ठीक है। आज ये सैनिटाइज होना है इसके लिए जो है हम लोग नीचे आए हैं ताकि जो इसमें हेल्प वगैरह हो सके, बाकी पूरी तरीके से बेसिक अगर बुनियादी कोई ज़रूरत है सब्जी दूध वगैरह उसको लेने के लिए सिर्फ जाते हैं, अदरवाइज जो है हम पूरी तरीके से जो है ना इसके पक्ष में लॉकडाउन के और घर पर ही हैं सारे। जी बिल्कुल, पूरी सोसाइटी हमारी सोसाइटी जी बिल्कुल, जिस तरह से साइंस सोसाइटी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रही है, इसी तरह पूरा देश इस लॉकडाउन का पालन करे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, यही हमारी कामना है और यही हमारा संदेश है। इंडियन न्यूज़ लाइव में आज केवल इतना ही, कल फिर किसी एक नए इलाके से नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।